चैप्टर चैप्टर सी जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई वन मार्क के लिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंट बोर्ड सिंबल होता है बी। क्लियर। इसका एक अंक के लिए डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको याद रखना है, मैथमेटिकल फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में भी रिटन है वन टन पर नेटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां से आप डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे वागडन के लिए m1 l2 t minus 2 चार्ज के लिए a into t। So we have m1 l2 t minus 3 a minus 1 the dimensional formula of electric potential as well as potential difference। Single point charge के लिए electric potential one mark के लिए बता रहा हूँ ये। तो single point charge से electric potential होता है formula q upon 4 pi epsilon r। यहाँ से बताएंगे v inversely proportional to वन पावर ऑफ द डिस्टेंस, जहां हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, दो चार्ज के बीच में फोर्स वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। लेकिन पोटेंशियल सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन पावर। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचना हो तो क्या डिफरेंस होगा, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, लेकिन ये फास्टली डिक्रीज होगा। यानी कि बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर आर डिस्टेंस इधर, तो हम ये ऐसी कर्व खींचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा कर्व हो जाएगी। वीडियो काफी लेंथी हो गया है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स जो है वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, अदरवाइज मेरी मेहनत खराब जाएगी। वन मार्क के लिए एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कैसी नेचर होती है। तो हम बताएंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज एक्सियली सिमेट्रिक, एक्सियली सिमेट्रिक। वन मार्क के लिए एक रिलेशन पूछी है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन होती है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर। डीवी बाई डीआर को कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो वी मे कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं आपको पता है, और इसकी दो तीन छोटी-छोटी प्रॉपर्टी है। वन मार्क टू मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि भाई नो अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग द चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो दो तीन प्रॉपर्टीज आप देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वन मार्क के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds या E ds cos थीटा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अगर थ्योरेटिकली देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उनके लिए ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है, इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा सकता है। तो इस यूनिट को कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। देखिए आप मास के लिए स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी इसको बोल देते हैं। गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, और वो बताया था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट क्लोज सरफेस। तो इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ 3 मार्क के लिए 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है। इसी पे एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम भी 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल टाइप। इस पे कि आपको एक ऐसे क्लोज स्फीयर दे रखा है, उसके अंदर अलग अलग पोजीशन पे चार्ज दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है ए पॉइंट पे -10 माइक्रो कूलम्ब, इस दूसरे पॉइंट पे माइक्रो कूलम्ब चार्ज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस स्फीयर। ये न्यूमेरिकल आ जाए 2 अंक के लिए, जिसमें चार अलग अलग पोजिशन पे चार चार्ज दिए गए हैं। तो ये गॉस थ्योरम पे बेस्ड है, गॉस लॉ पे बेस्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन होता है, जहां पे क्यू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो सबसे पहले सम करेंगे, प्लस का 20 प्लस का 5 25 माइक्रो तो प्लस का हो गया है, और माइनस का 3 माइनस का 10 माइनस 13 माइक्रो नेगेटिव हो गया। तो टोटल चार्ज करें तो ये क्या जाएगा 12 माइक्रो कूलम्ब। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 माइक्रो मीन 10 टू पावर माइनस 6, और एप्सिलॉन की वैल्यू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम 8.85 10 टू पावर माइनस 12, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर देंगे, अगर चार्जेस का सम जीरो आ जाए, जैसे ये 10 माइनस का था
और ये 5 माइनस का हो जाए 3, ये माइनस का हो जाए ये 20, तो देखो माइनस के भी 20 माइक्रो प्लस का भी 20 माइक्रो, तो टोटल सम ऑफ चार्ज इज 0, सो 0 अपॉन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स आउट टू बी 0, तो 1 मार्क के लिए ये भी पूछा जा सकता है। इस तरह से पूछा जा सकता है, कोई आपके पास स्फीयर है उसके अंदर 5 माइक्रो कूलम चार्ज इनक्लोज है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स निकलेंगे, बस वही इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं q / एप्सिलॉन, q की वैल्यू रख देंगे यहां पे, ठीक है, माइक्रो मतलब 10^6 और एप्सिलॉन की वैल्यू रख देंगे 8.85 × 10^12। जैसे एक बार पूछा था कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स रेडिएट फ्रॉम द स्फीयर इन व्हिच 1 कूलम चार्ज इज इनक्लोज, तो q की वैल्यू 1 रख लेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10^12 शोर कर देंगे, उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स निकलेंगे उससे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल निकाल सकते हैं, और थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन निकलवा सकते हैं। उसी में बताया था दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज की एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जैसे निकाला था, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, और एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उससे गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसी भी जगह पे, तो वो ये था, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, इधर या इधर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो वो आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सी चार्ज करंट एरिया ऑफ द सी। मूव करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट चैप्टर डी, कैपेसिटेंस, फोर्थ चैप्टर है कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो एक अंक के लिए आपको ये कांसेप्ट पता, q इक्वल टू cv, c होता है q / v चार्ज / पोटेंशियल, इसकी यूनिट फैराड होती है, इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा जा सकता है। 1 मार्क के लिए स्फेरिकल कैपेसिटर, spherical capacitor C is equal to 4 pi epsilon naught R, where R is the radius of the sphere, and in case of Earth, if Earth is assumed to be sphere, then capacitance of Earth is found to be 711 microfarad, where R is equal to radius of Earth 6.4 × 10^6 meter, 4 pi epsilon naught को आप रखेंगे 1/9 × 10^9, कैलकुलेट कर देंगे। तो होता है कि फैराड इज द बिगर यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। ये आगे कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, ये भी बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, और इसी तरह से 3 मार्क्स के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A / D, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करना। इसी तरह से 1 और 2 मास के लिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में, ये तो सीरीज में मैंने बताई, और पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CV = C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन, इस तरह से ये रिलेशन निकलवा ले दोनों मार्क, ठीक है, या इन फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल दोनों मार्क के लिए, या 1 मार्क के लिए एमसीक्यू पे बना सकता है। 5 अंक के लिए बताना चाहूंगा लास्ट टॉपिक जो बनते हैं, जो 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है, वो टॉपिक्स हैं कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दोनों प्लेट के बीच में अगर कंडक्टिंग स्लैब डाल दी जाए तो कैपेसिटेंस नहीं क्या होगी, या डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी, ये 5 मार्क्स के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन बनने का चांस बाकी कम है, क्योंकि और यूनिट में 5 अंक के क्वेश्चन के बहुत से टॉपिक हैं, बाकी फिर भी हम देख लें इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है, और फिर 1 माइक्रो फैराड, इस तरह से ये इनफाइनाइट लैडर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का इनफाइनाइट ये कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, इधर 1 माइक्रो ऊपर 2 माइक्रो फैराड, फिर 1 माइक्रो फिर 2 माइक्रो फिर 1 माइक्रो फिर 2 माइक्रो फैराड, एंड इनफाइनाइटली दिस लैडर इज कनेक्टेड, देन यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इनफाइनाइट लैडर है तो लेट सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उसमें जो एक बेसिक एलिमेंट है इस इनफाइनाइट लैडर का उसको इसके इक्विवेलेंट के साथ जोड़ भी दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मान लिया ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ पे 2 माइक्रो फैराड जुड़ा हुआ है, यहाँ 1 माइक्रो फैराड जुड़ा हुआ है, और ए और बी के बीच जैसा हमने सी माना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो यहाँ जोड़ दिया,
अब देखें कि दो और सी, दो माइक्रोफेरेड और सी माइक्रोफेरेड ये हो गए हैं सीरीज में, सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, दो गुना सी बटे दो जमा सी, तो ये टू सी अपॉन सी प्लस टू ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन दोनों में ये एक और फिर ये एक माइक्रोफेरेड उसके साथ हो जाएगा पैरेलल में, देन ए और बी के बीच इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस बनेगा वो बनेगा वन प्लस टू सी अपॉन सी प्लस टू, ये आ जाएगा वन प्लस टू सी अपॉन सी प्लस टू, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा। और हमने में माना था ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी, इसी को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो सी जो आएगी वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन पे जो न्यूमेरिकल आना है दो अंक के लिए वो डायग्राम बेस्ड होगा, जैसे ये कह दिया भाई एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये एक कैपेसिटर और इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, ये दो माइक्रोफेराड है, ये पांच माइक्रोफेराड है, ये दस माइक्रोफेराड है, ये पांच माइक्रोफेराड है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है पांच और दस, ये सीरीज में है, सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट पांच गुना दस बटे पांच जमा दस पचास बटे पंद्रह, इन दोनों की जगह एक आ गया है जिसकी वैल्यू है पचास बटे पंद्रह। अब ये पचास बटे पंद्रह और ये पांच आपस में पैरेलल में, पैरेलल में है डायरेक्ट जुड़ेंगे, पचास बटे पंद्रह प्लस पांच, पंद्रह बटे पचहत्तर एक सौ पच्चीस बटे पंद्रह, इन दोनों का एक आ गया है एक सौ पच्चीस बटे पंद्रह। अब ये दो एक सौ पच्चीस बटे पंद्रह जे और ये यानी दो माइक्रोफेरेड और एक सौ पच्चीस बटे पंद्रह जो है ये अब सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे रेसिप्रोकल करके या सीधा दोनों का गुणा बटे दोनों का सम, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे देगा ए और बी के बीच में। इस तरह से कैपेसिटेंस ग्रुपिंग पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक डायग्राम बेस्ड जितने भी आपके मॉडल टेस्ट पेपर में दे रखे हैं, गैस पेपर में दे रखे हैं या पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आज इस यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रॉब्लम्स वन मार्क टू मार्क थ्री मार्क और फाइव। फिर कह रहा हूँ मेरी मेहनत तभी कामयाब होगी जब स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे में शेयर करेंगे और